दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और रंगीला आज तैयार है बिल्कुल जंस्कार ट्रिप करने के लिए। तो हाँ जी, आज से स्टार्ट हो रहा है हमारा जंस्कार ट्रिप। मैं दोबारा जा रहा हूँ, अभी एक साल पहले भी गया था मैं, और इस बार फिर से जा रहा हूँ। जो एक नया रास्ता निम्बो या लामा यूरू दोनों में से कोई एक करूँगा मैं। ड्राइंग रूम वाला तो मैंने कर रखा था, सो दूसरा भी करना है। और ये सेटअप है, इस तरीके लग चुका है अपना। पीछे की तरफ टैंक बैग, पीछे टॉप बॉक्स जो रहता है, और एक डबल बैग। सो पूरा सेटअप ये है दोस्तों। और बस यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। अभी टाइम हो गया है दिन का एक, बहुत धूप है, बट कुछ प्लान में चेंजेस की वजह से हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा प्लान। तो मैं आपको सारी अपडेट दूंगा रास्ते में क्या हुआ था। सो अभी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं घर से निकल चुका हूँ और रास्ते में हूँ। मैं रास्ते में मिलूँगा दिल्ली में सरब से। वो मुझे जो मेरे साथ राइड पे जा रहे हैं, वो मुझे ट्रैम्प के एक राइड पे मिले थे, तो वहीं से दोस्ती हुई उनसे। और आज हमारा प्लान बन गया जंस्कार का। लेकिन जो मैं बात करने वाला हूँ वो हमारे चेंज ऑफ प्लान का है। हमारा जो प्लान था वो एक्चुअली आज रात में निकलने का था, दिन में निकलने का कहीं से कोई प्लान नहीं था। बट कुछ चेंजेस हमें पता चले। जैसे हम पहले सोच रहे थे कि जो दारचा से सिंकुला का रास्ता है वो अभी अल्टरनेटिव पे चल रहा है, तो जो हमारे पास एक नोटिफिकेशन या समझ लो नोटिस जो भी आया था उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्यूसडे का पड़ रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग हम मंडे रात में निकल रहे थे। बट हमें पता चला कि वो ऐसा नहीं है, ट्यूसडे TTS में दारचा टू सिंकुला है, क्योंकि कुछ राइडर आए गए थे उनसे पता चला। तो फिर हमने प्लान पूरा चेंज किया इमीडिएट बेसिस पे और दिन में ही निकले हैं। आज जाकर रुकेंगे चंडीगढ़ के आगे, जहाँ भी रुक जाएँ, जहाँ तक पहुँच जाएँ। उसके बाद फिर वहाँ से सीधा कल 2 बजे से पहले सिंकुला दारचा से आपको निकलना पड़ता है, क्योंकि फिर वो एंट्री बंद कर देते हैं। तो कल चंडीगढ़ से आज रात में बेसिकली 2-3 बजे के आसपास हमारा प्लान है कि निकल जाएंगे और जल्दी से जल्दी दारचा से सिंकुला क्रॉस करते हुए अपना गोमो रंजन में नाइट स्टे कर लें। सो ये प्लान है हमारा। बाकी देखते हैं दोस्तों कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं हम लोग और कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचे और पता चले कि वेंसडे ही है हमारा एंट्री पॉइंट, तो फिर काम का भगदड़ मच जाएगी। बट जो अब राइडर के इंफॉर्मेशन पे ही हमें बिलीव करना पड़ रहा है, सो लेट्स सी क्या होता है। अब वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा। बाकी अब तो निकल ही चुके हैं, सो सारी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। वहाँ नेटवर्क तो है नहीं, तो वीडियो तो अपलोड होगी काफ़ी दिनों बाद। दोस्तों सरब के साथ मिलके मैं फिर आपको बताता हूँ, तब तक के लिए। दोस्तों दिन में निकलने का सबसे बड़ा नुकसान यही है। आप देखिए 1 बजे निकला था और अभी 2:55, ऑलमोस्ट 3 बज गए हैं और अभी तक दिल्ली में ही घूम रहे हैं। चारों तरफ जाम ही जाम था। रिंग रोड से निकले उस तरफ भी पूरा जाम, फ्लाईओवर पर जाम। फिर हमने रॉन्ग साइड में लेकर नीचे उतर कर अलग अलग मतलब गलियों में होते हुए इधर आजादपुर के पास भी निकलने वाले हैं। यहाँ भी पूरा जाम ही जाम है। देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बुरा हाल है। एक तो गर्मी, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। लेफ्ट लेकर वो आजादपुर के नीचे से फिर सीधा करवा चौक और चंडीगढ़ के हाईवे। आज ही शक्ति तो यहीं निकल गई, जान तो बचा ही नहीं है मेरे अंदर। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। मैप तो दिखा रहा है 7 बजे का। कोशिश करते हैं 6:30 तक चंडीगढ़ जीरकपुर पहुंचने का। दोस्तों टाइम देखो 4 बज गया और 4 बजे हमने अभी जस्ट क्रॉस किया है मुरथल का जो टोल है उसको क्रॉस किया है अभी। सो काफ़ी जाम था, काफ़ी ज़्यादा जाम था उधर दिल्ली में, और दिल्ली से निकलते निकलते इतना टाइम लग गया। 1 बजे से मैं निकलूँगा गुड़गांव से और यहाँ पहुँचने में 3 घंटे लगे। सो और धूप इतनी तेज़ है,
आई एम सो टायर्ड, मतलब आधा जूस तो यहाँ इधर ही निकल गया। अब खैर देखते हैं अब अगला स्टॉप कहाँ लेते हैं। सोच रहे करनाल के पास ही ले सीधा, बट गर्मी की वजह से रुकना पड़ रहा है पानी पीने के लिए बार बार। सो देखते हैं कहाँ तक खींच सकते हैं, फिर चलते रहेंगे। और कोशिश तो यही है कि जहाँ तक खींच सके खींच लें। ओके दोस्तों, सुबह के एक बजे से, मतलब दोपहर के एक बजे से चले हुए, और अभी 8:30 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे भट्टा साहिब गुरुद्वारा रूपनगर। और यहीं पे आज हमने स्टे लेने का सोचा है, रूम भी यहाँ अवेलेबल होते हैं, अगर मिल जाएगा तो यहीं रुक जाएंगे और बढ़िया लंगर खाएंगे अपना गुरुद्वारे में ही, और यहीं रेस्ट करेंगे और मॉर्निंग में 2-3 बजे निकल लेंगे। अभी तक का ये प्लान है। गर्मी आज बहुत ज़्यादा थी, गर्मी को झेलते हुए बहुत मुश्किल से हर आधे घंटे पे 20 मिनट पे रुककर मुझे पानी पीना पड़ रहा था, बहुत ही ज़्यादा हीट वेव थी। बट थैंकफुली सारा कवर हो गया, कल से तो मनाली पहुंच जाएंगे तो ठंडे में निकलेगा। ये है भट्टा साहिब गुरुद्वारा, और रूम मिल जाए तो बाबा की कृपा यहीं भी रुकेंगे, नहीं तो फिर होटल देखेंगे। और फटाफट करना ये काम, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करना, क्योंकि सुबह के 3 बजे हमें निकलना भी है, यहाँ से 2 बजे तक सिंकुला क्रॉस करना है। सो अब देखते हैं क्या होता है, मैं आपको अपडेट देता हूँ। सो दोस्तों, फाइनली हमें यहाँ रूम मिल गया है। डोनेशन एज ए फी समझ लो आप, 200 रुपीज़ लगते हैं, और विदाउट एसी रूम है पंखे में, बट मौसम यहाँ बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं, और वैसे भी हमें निकलना ही है 2-3 बजे, तो हमने रूम यहाँ पे ले लिया है और अब निकलेंगे रूम के लिए। सामान सारे उतारने होंगे, कुछ चू चू की आवाज़ भी आ रही है। बाइक में कुछ चूं चूं की आवाज़ आ रही है, चेन मुझे लगता है लूप करना पड़ेगा। बाइक में कुछ चूं चूं की आवाज़ आ रही है, डिस्क में आ रही होगी। डिस्क में नहीं आ रही, मुझे लग रहा है चेन में आ रही है, लूप करना पड़ेगा।